हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है वही अपने मेन रोड से। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में और आज ड्राइविंग कर रहे हैं अपने गणराज भाई, ये देखो, और पीछे बैठे उसके पीछे में मेरे पीछे ठाकुर। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में और आज है 19 फरवरी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्मदिन। तो आपको तो पता ही, मेरे को भाषण दिया है शिवाजी महाराज के ऊपर बोलने के लिए। तो भाई साहब, मेरे को थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा याद नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश की लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। और भाई मेरी जो भी फट रही है, शब्द में बयां नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा फट रही है। अभी देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। अभी तो सर, सबसे पहले तो अभी कॉलेज में चलते हैं, चलो। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे स्कूल में और ये बाहुबली अपने और इधर आगे हो मेरे, ये बंदा सलीम वाले का लगा देता है, बोले तो इधर आ डायलेक्ट बोल वाले भाई। हाँ, तो गाइस, सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि हमारे बाहुबली भी हमारे साथ स्पीच दे रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं एक मुद्दा बताऊंगा, स्पीच तो नहीं बताऊंगा, स्पीच रिकॉर्ड करेंगे। एक मुद्दा बताऊंगा, अभी एक मिनट अलाउड होगा रिकॉर्ड करने के लिए? अलाउड होगा, अलाउड होगा शायद। सर विचारों का देखते 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 हैं, चलो बता, कुछ बता। होती बोला दी, चाची होती बोला दी, चाचा हाथ हाथ तुम त्याचे अंगर त्या माझ्या शिवाचा आज जय जयकार। वाह 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 वाह, होती बोला दी, चाची होती बोला दी, चाचा डोळ्यातून अंगार त्या माझ्या शिवाचा आज जय जयकार। क्या बढ़िया था, दो मिनट दूसरे सकते है। हमारे बाहुबली कतई जहर में है, कतई जहर भाषण दे रहे हैं भाई। मेरे में तो इतना दम नहीं है कि मैं इतना इसके जैसा चीख के भाषण दे सकता हूँ। मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, मस्त प्लान है गाइस इसका। तो अभी देखते हैं कार्यक्रम चालू होने में कितना टाइम है और कार्यक्रम चालू होने के बाद हम कर देंगे अपना भी कार्यक्रम शुरू। साढ़े सात चौतीस। तो भाई तेरा एक पेज है, मेरा देखना तू भाई, दो पेज क्या करता इधर उधर, मैं कार्य भी नहीं लिखा, तू शायरी वगैरह कुछ नहीं है ना तेरे में। फिर दो पेज है मेरे भाई, इसका एक पेज है सिर्फ, मेरे दो पेज है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। दो साल पढ़ा है ना, वो कीमती करता है। मैं नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 11 कक्षा में पढ़ता है। अच्छा जी, करके पढ़ा है ना। अच्छा जी, तो गाइस मैं भी थोड़ी देर के लिए ये याद कर लेता हूँ, रुको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, छाता होता फुला था, छाती होती फुला था, छाती होती फुला था, हग दिया। खत्म। ये भाई साहब एक नंबर। शिवाजी या नावाला कधी उलट वाटते आहे का? शिवाजी जसा तसा तयार होतो, जो आयुष्य पण शिवाजी करता तो शिवाजी। अरे गर्वच नाही तर महासाहेबांना मराठी असल्याचा, महासाहेबांना मराठी असल्याचा त्यांच्या महान मातृशिशी नागिका बाई तर त्यांच्या कर्तृत्ववान वडिलांचे नाव शहाजी असे होते। शिवरायांपूर्वी सुमारे 400 वर्षाआधी महाराष्ट्रात स्वराज्य नव्हते। महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग अहमदनगरचा निजामचा आणि इंदापूरचा आदिलशहा यांच्या सत्तेखाली होता। आपल्या मातेची यांची सत्ता उलगडून आणण्यासाठी आणि आपल्या जनतेला देखील आनंदी ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचे पवित्र असे कार्य हाती घेतले। महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांना
शिवाजी राजे, शिवाजी राजा, रूपा, रूपा राजे, शिवराज अशा अनेक नावांनी ओळखले जातात. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे पुत्र छत्रपती संभाजी महाराज यांचा संयुक्त उल्लेख श्रीसंभू असा केला जातो. सर्व सन्मान करतो आणि मी माझे खतम. गाइज हमारा कॉलेज करना कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आए बाहर घूमने. तो आपने देख लिया होगा हमारा भाषण भाई, बाहुबली की इतनी मजा आई भाई, सब बाहुबली ने हिला के रख दिया सबको. तो गाइज हमारा भाषण देना कंप्लीट हो चुका है और कैसा लगा हमारा भाषण कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. तो गाइज अभी हम चलते हैं हमारे घर में, तो मिलते हैं आगे का सीन क्या होता है वो देखते हैं बाद में. तो गाइज घर पे जाने के बाद मिलते हैं, चलो. गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे घर में और मेरे को ड्रॉप किया निकेश भाई ने गांव से ही. चलो निकालो आज का प्लान बोन भी फ्री, ठीक है ना. चलो मिलते हैं बाद में. और की कर रहे हो? की कर रहे हो? नहीं गांव जाना है मैंने. कभी थारे रास्ते में कितनी बार फोन किया यार. ये क्या बात करते है यार. फोन करू ना? तो गाइस बाय बाय कहते अपने कजन को. आज ये जा रहा है गाँव अपने. अब तू मांगे बस रोहित ले चलो दे गाड़ी. ना रे बापा. हाँ क्यों? प्रो ड्राइवर है, प्रो हैवी ड्राइवर है, चला दे तो. गाड़ी ले हाथ ला लो. कभी पड़ला दावी का बोर्ड पोट्टा पाय उड़ो टाकल नहीं तो डबू. बाकी सांग दे, बाकी सांग मनता दे. बाय 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 बाय, दुआ में याद रखना. नागिनी दी अखवालिए, नागिनी दी अखवालिए, सब कीलत तू घबरु कवारे, हो दारू बदनाम करती, नाम करती. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर से बाहर और आपको पता है ये भी क्या होने वाला है. हम जाने वाले हैं गोंड पिपरी शिव जयंती का कार्यक्रम देखने और शायद डीजे भी होगा तो थोड़ा बहुत डांस भी कर लेंगे. और भाई तैयारी व्यारी हमने कर ली है. और एक बात, हम में से किसी ने भी सिर्फ एक दो बंदे को छोड़ के हम टोटल पांच बंदे जाने वाले हैं. दो गाड़ियां हैं, दिखा दो एक बार. ये देखो एक अनिकेत भाई की, एक अपने ठाकुर भाई की, जैसे दिखावे. हाँ और हम जाने वाले पांच बंदे. पांच बंदे कौन कौन है? एक कैमरामैन प्रीतम. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो. रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा गजब बेइज्जती है. दूसरा कैमरामैन खुद निखिल भाई. तेजक ने तुझे के देखो. हाँ ये कैमरा मैन निखिल भाई. थर्ड बंदा अपना भाई, पैसे वाला बंदा भाई. मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास. अनिकेत भाई और गणराज भाई जो कि चल के आ रहे हैं क्योंकि कुछ अलग ही सीन है. वो चल के आ रहे हैं उधर से, घर से इधर से, इधर ही चल के आ रहे हैं. फिर बाद में तो हम चले जाएंगे. 5:40 हो रहे हैं गाइस, तो अभी हम जाते हैं. और लगभग 6:30 बजे तक वापस आ जाएंगे. तो देखते हैं कार्यक्रम कैसा रहता है. डीजे वीजे का 7 बजता है ये रहा मैं यही उस 7 वाले ही हुआ. सात नहीं घर वाले मार डाले थे 6:30 बजे से माहौल नहीं ना हो तेज मंग जाओ कौन था फायदा है बे. रात्र थाली से भाव आवा बजा है. तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं 7 बजे आएंगे लेकिन तब घर वाले हमारी मुड़ी सर धड़ चाले कर देंगे. बोलतो बे गाड़ी पंचर झाली होती म्हणतो दुरुस्त करत होतो म्हणतो. मस्त प्लान है. घर चले सांगले और कोठी गेले बनवून. अभी का हमारा ऐसा सीन है. तो अभी चलते हैं गोंड पिपरी में. और देखो गणराज भाई आ रहे पीछे ट्रैक सूट लगा के भाई. सुन करना ये देखो बंदा ट्रैक सूट वेट लगा के भाई गणराज भाई. अभी हम चलते हैं सीधा गोंड पिपरी में. चलो चलो भाव चालो देने वाली गाड़ी चालो दे चाल ले. इसे घेर कैसे रहते मांगा किसी यार पूरा एक हमारी एक गाड़ी आगे जा रही है. उस गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है अनिकेत भाई. पीछे उसके पीछे बैठा है ठाकुर भाई और उसके पीछे बैठा है मणि जी. अबे साले और इस गाड़ी पर हम लोग हैं. इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ मैं और मेरे पीछे बैठे हैं हमारे कैमरामैन प्रीतम भाई. तो चलो चलते हैं. हम पांच लोग मिलके जा रहे हैं
और भाई घर वालों को नहीं बताया है आगे का सीन क्या होने वाला है, हमें पता नहीं। बड़ी बेशर्मी से भाई ने हमको गाड़ी से निकलवा दिया है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ठाकुर भैया बैठने दोगे क्या? ऐसे ट्रेन की सबको जरूरत है। तो गाइस हमने गाड़ी चेंज कर ली है, अनिकेत भाई वही उसकी गाड़ी अनिकेत भाई चलाएगा, ठाकुर की मैं चलाऊंगा क्योंकि वो भाई मेरे को चला नहीं आ रही ठीक से, कुछ अलग ही सीन है उसका। तो गाइस मैं चलाता हूँ ये गाड़ी, अनिकेत चलाएगा वो गाड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं गोंड पिपरी में और अनिकेत भाई और प्रीतम भाई का कुछ अता पता नहीं है, वो किधर चले गए देखते हैं किधर है वो, और कार्यक्रम शायद उधर है क्योंकि उधर शिवाजी चौक है। चलो देखते हैं, चलो भाई साहब हमने तो गाइस आप इधर से ही सुन सकते हो गाना चल रहा है। और ये देखो सजाया कैसा, ये देखो, और छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्पेशली तो ज्यादा सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन महाराष्ट्र में होता है क्योंकि इनका जन्मदिन भी महाराष्ट्र में ही हुआ है इसलिए। तो गाइस प्रीतम भाई और अनिकेत भाई भी आ रहे हैं, वो आगे चले गए हैं तो उनका वेट करते हैं थोड़ी देर। अब ये बोलते ना भाई शिवा श्री शिवाजी चौक है ये, ये देखो भाई साहब कितना बड़ा है भाई यार क्या दिख रहा है यार, बहुत ही बात है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड बोलती पब्लिक, बहुत हार्ड। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पर कार्यक्रम, पर कार्यक्रम की शुरुआत में भाई ना अच्छा सजा के रखा है, क्या ही बोले, और ऊपर तक देखो भाई इतना अच्छा माहौल बन रहा है इधर। अभी देखते हैं कार्यक्रम शुरू होने में कितना टाइम है, और अभी हम चलते हैं थोड़ा बहुत करने के लिए बोल रहे हैं। इधर उधर एक रिवर है रिवर साइड, तो रिवर साइड के ऊपर जाते हैं, रिवर साइड की नहीं रिवर में अच्छी रोड ना। बोमला तर जरा जास्त होतो असता, हो मोठी माय पाहिलं तुझी घरी गेल्यावर तुझी मोठी माय तर माहिती आहे मग गरम देणार आहे म्हणून, चल चुपचाप बोल आता, नाही पाहिलं घे नाही पाहिलं घे, हो खरं सांग। हसदे चेहऱ्यां दा मतलब ए नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कदे कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओहदा मतलब ए हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना। तो गाइस अभी अभी हमारी बड़ी मम्मी और बड़े पापा और हमारे ग्रैंडपा गए गाड़ी में, उम्मीद करते हैं हम उन्होंने हमको नहीं देखा होगा, तो नहीं तो अभी क्या देखा होगा, तो अभी क्या कर लेंगे भाई, ब्लॉगर हूँ यार ब्लॉगर। अरे बाबा तो गाइस लाइट लाइट देखो गोल्ड पिपरी की, हम जा रहे हैं अभी गोल्ड की, गोल्ड पिपरी की तरफ से आरती रोड पर, इन्होंने बोला इधर किधर है क्रिएटिव जगह है उस पर हम फोटो शूट कर सकते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं फोटो शूट करने इधर, ड्राइविंग कर रहे हैं अपने अनिकेत भाई और प्रीतम भाई को फोन आ गया होगा। यहाँ भाई आज का दिन कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई, आज के दिन क्या ही बोलो। तो गाइस प्रीतम भाई ने पेट्रोलियम का धंधा चालू कर दिया है, तो गाइस प्रीतम भाई आज से यहाँ पे जॉब करेंगे, प्रीतम भाई ने नया जॉब ढूंढ लिया है। अनिकेत भाई प्रीतम भाई का नया जॉब कैसा है? अच्छा। पैसा ही पैसा हो गया। एक बार इधर आना। भाई साहब क्या बन रहा है भैया, मैं पहली बार देख रहा हूँ आज, भाई साहब तो फोटो डाल अभी ये लोग करे दना 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 दना, चल लगा 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 जल्दी 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 कर लेते हैं, चले जाते हो यहाँ से। तो गाइस हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने आए थे लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है इसलिए फोटो शूट अच्छे से नहीं आ रहा। हाँ बोल
तो गाइस ये टोना का जो बन रहा है आज रोड पर, और भाई इसका ये देखो टेक्सचर कितना सही घातक बनाया है ये देखो। तो गाइस चलते हैं फिर से हम अपने कार्यक्रम के उधर। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। गाइस पुलिस वाले भी है यहाँ पे, हमें संभल के रहना पड़ेगा। दशरथ मामा ये तो कोई बात नहीं, मेरे पहचान के मेरे मामा पुलिस में ही है, वो भी शायद इधर ड्यूटी करते हैं, फिर तो कोई टेंशन नहीं होगा। पर अगर दशरथ मामा नहीं है तो भाई थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और ये देखो भाई साहब, तो गाइस ये खाना छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर यानी उपहार का वो वाला। ये देखो निखिल भाई कैसा है भाई, मेरे को कड़ी नहीं मिली। और प्रीतम भाई कैसा है अनिके? साले। साले। तो गाइस जी खाते हैं। गाइज हम वहां पे एक फोटो निकालने वाले हैं अभी, रुको। तो गाइज यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा वेट कर लिया पर फिर भी चालू नहीं हो रहा यहाँ का, तो अभी हम चलते उधर वाले पहले वाले के पास। हाँ चल 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 ठीक है चलो। तो गाइस हमने पूछ लिया है पुनः का डीजे आ गया ना, तो गाइस उन्होंने बोल दिया है कि डीजे है लेकिन वो कराओके जो है वो बजाने वाले हैं। और देखो लास्ट बार देख लो गाइस इधर का सीन ऐसा चल रहा है भाई, वो झंडा देख के भाई इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है भाई, क्या ही बोले। ठाकुर मैं चलाऊंगा, तेरे पे भरोसा नहीं है, निकाल। गजब बेइज्जती है। तो गाइस एंजॉय करो गोंड पिपरी की नाइट लाइट। घर जाने से पहले अनिकेत भाई की तरफ से गन्ने का जूस भी तैयार कर सकते हैं, हमारा गन्ने का जूस बन रहा है। चीयर्स गाइस चीयर्स। तो गाइस हम देखते हैं हमारा गन्ने का जूस आ चुका है, हमारा चुका है और अभी हम जाने वाले सिर्फ और सिर्फ बीच में कभी किधर भी नहीं रुकेंगे। और अभी नाइट का सफर है तो ड्राइविंग भी अच्छी से करनी पड़ेगी, तो अभी हम जाते हैं घर में। चलो पहले पकड़ कैमरा मैन अभी हमारे ठाकुर भाई। तो गाइस जल्दी से हमारे वन के सब्सक्राइबर कर दो यार। नेवर। अबे साले, क्योंकि अनिकेत भाई एड्रेस ले लिया है। एड्रेस क्यों लिया है पता है? जब हमारे वन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे अनिकेत भाई की तरफ से पार्टी है, हमारी पार्टी हो रही है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम सीधा घर में, तो ड्राइविंग में ही कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से चलाना होता है। ये दोनों तो भाई हेवी ड्राइवर है इसलिए मेरे को ड्राइविंग करनी पड़ रही है। चलो गाइस गोंड पिपरी की नाइट लाइट बहुत ज्यादा घातक दिखती है यार, कुछ भी बोलो। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है डेंजरस रस्ते की शुरुआत, अभी हो रही है डेंजरस रस्ते की शुरुआत। और आप देख सकते हैं पूरा अभी यहाँ पूरा चारों तरफ बस गोरा ही गोरा, पूरा नाइट हो चुकी है। और भाई जल्दी से घर जाना पड़ेगा नहीं तो मम्मी लोगों की पापा लोगों की बहुत ज्यादा घर वाली डांट पड़ने वाली है। A few moments later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे गाँव में और आप देख सकते हैं भाई बहुत ही ज्यादा डरावना रास्ता था, नाइट का सफर था और भाई मेरे पे जिम्मेदारी थी सबको लाने की। मैं पार्किंग लगाने वाला है, लगा के आ जा जल्दी। तो गाइस ये व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस आज आपने देखा हमने कितनी ज्यादा मजा की गोंड पिपरी में, और हमने कॉलेज में भी भाषण दिया शिवाजी महाराज के ऊपर। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अबे हालत नहीं देखा मैं ब्लॉग बना था चल। तो गाइस हमारा कॉलेज करना कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आए राइट
अभी क्लियर दिसले पाहिजे वे तू हर तू साला डिस्टर्ब नो कर जा तो गाइस ये लोग बोल रहे हैं थामना पे तो गाइस इधर देखा तो गाइस ये था क्लियर पूरा के गाड़ी बल्ले बल्ले मेरा दोस्ता है मेरा तुझा बसी काम ऐसा तुम्हें करते सुरा है ना बल्ले बल्ले तो गाइस चुपचाप रहना है बल्ले कहाँ देखिए यात्रा क्या नवड़ा था कहाँ कहाँ रहूँगी ले